अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ भुना चिकन। भुना चिकन के लिए मैं ली हूँ 1 किलो चिकन और इसको वॉश कर ली। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से हमें हाथ से इसको अच्छे से मिला ली। अच्छे से इसको मिला ली। अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा, जब तक हम प्याज दूसरी तैयारी करेंगे। 3 टमाटरों की प्यूरी निकालेंगे और 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। चिकन को मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखी थी, आधा घंटा हो गया। इसको पकाने के लिए मैं एक खुला बर्तन ली और इसमें 1 कप ऑयल डाली। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। शाह जीरा है, 3 इलायची है, काली मिर्ची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, तेज पत्ते। अब प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको 6-7 मिनट भून लेंगे। प्याज का कच्चापन जाना और ये सॉफ्ट होना, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन नहीं होना, बिल्कुल हल्के से पिंक होना और कच्चापन जाना जब तक इसको फ्राई करेंगे। एक 6-7 मिनट में इसको अच्छे से भून लिया और इसका कच्चापन भी चले गया, हल्की से सॉफ्ट हो गया। अब इसमें चिकन डाल देंगे। अब चिकन को हम क्या करेंगे, एक 10 मिनट तेज फ्लेम पे भून के पकाएंगे। बीच बीच में भुनेंगे, कंटिन्यू नहीं भुनेंगे, बीच बीच में भुनेंगे। चिकन का कलर अच्छा, चिकन का कलर बदल जाना और इसमें से पानी, इसका चिकन का जो पानी है रिलीज होना। 10 मिनट तक तेज फ्लेम पे बीच बीच में मिलाते हुए भूनते हुए पकाएंगे। 6-7 मिनट में इसको तेज फ्लेम पे भूनते हुए पका ली। 6-7 मिनट हो गए, कच्चापन इसका चले गया मसालों का। अब 1/2 गिलास हम पानी डालेंगे, जिसमें हमने चिकन मैरिनेट करी थी उसमें भी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक कवर कर देंगे और बीच बीच में इसको मिलाते जाना। 15 मिनट तक मैं धीमे मीडियम फ्लेम पर ढाक के रखी थी पकाई। अब 15 मिनट हो गए, इस निकाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी भी इसका ड्राई हो गया और चिकन को थोड़ा सा चिकन गल गया, थोड़ी सी कसर बाकी है, वो जो टमाटर ग्रेवी हुए डाल के पकाना रहता उसमें बराबर हो जाता। और फ्लेम को तेज़ी रखेंगे, तेज़ी फ्लेम पे पकाएंगे। टमाटर का पानी अच्छा सूखना और इसका कच्चापन जाना जब तक इसको भूनते हुए, बीच बीच में भूनते हुए, कंटिन्यू भूनना नहीं है, बीच बीच में भूनते हुए पकाएंगे। टमाटर की ग्रेवी जो डाले थे, इसका टमाटर का पानी सूख गया और इसका टमाटर का कच्चापन चले गया। अब इसमें दही डालेंगे, 150 ग्राम गाढ़ा दही फेंट के। दही डालने के बाद भी फ्लेम को धीमा नहीं करेंगे, तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे। दही का भी पानी रिलीज होता और इसका कच्चापन जाना। दही डालने के बाद भी फ्लेम को तेज़ फ्लेम ही रखेंगे, धीमा नहीं करेंगे, तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे। दही का पानी भी रिलीज होता, सूख जाना और दही का कच्चापन जाना जब तक। दही का कच्चापन भी चले गया और दही का पानी भी ड्राई हो गया और उसको अच्छे से भुनेंगे। अब इसमें डालूंगा मैं 1 लेमन का जूस और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला इसमें है दालचीनी, लौंग, इलायची, शाह जीरा, 4 चीज़ों का इक्वल है। लौंग की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती। अब इसको हम इसका पानी और जितना है उसको सुखा लेंगे। अब इसमें डालेंगे कोथमीर और 2-3 हरी मिर्चों को पीसेस करके। अब तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अच्छा भुनेंगे इसको, इसका कच्चापन नहीं रहना, इसका पानी, दही का, टमाटर का, चिकन का जो भी पानी है इसमें सुखा देना।
माशाल्लाह बहुत जायकेदार है ये, और मीडियम है इसकी स्पाइसी जो है, मिर्ची जो है बराबर है। अगर आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा चटपटा पसंद है तो इसमें थोड़ा 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये भूनते वक्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जायकेदार बना ये। एक्स्ट्रा खाने वाले स्पाइस एक्स्ट्रा खाने वाले ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा चटपटा आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर ये टाइम डाल सकते हैं। और माशाल्लाह बिल्कुल आसान चीज़ों से घर में जो हमेशा अवेलेबल है तो उससे बनाई में और रोटी और राइस के साथ ये बहुत अच्छा दिखता। चलिए भुना चिकन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, फ्लेम को बंद करके डिश आउट करेंगे। भुना चिकन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।